ब्रॉट टू यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आदिशी। मैम, आप लोग महारैली कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है कि एवरीबडी इज विद करप्शन वाला माहौल है रामलीला ग्राउंड में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से आप पे जो है हमलावर रहेंगे। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया ब्लॉक की रैली नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की रैली है, ये देश के लोगों की रैली है। आज आप बाहर जाइए, सड़कों पे जाइए, जो लोग आज रैली में आ रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, ये दिल्ली के आम लोग हैं जिन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी है, चाहे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, चाहे उनको अच्छा इलाज देके, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा देके, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देके। आज दिल्ली के लोगों को लगता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई अरविंद केजरीवाल जेल में है तो लोग उसके, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। दिल्ली की जनता, आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाइए, आप यहाँ पे ऑडियंस में भी बात करिए, लोग आपको ये बात कहेंगे कि जब हमें जरूरत थी तो केजरीवाल हमारे साथ खड़ा था, आज केजरीवाल को जरूरत है तो दिल्ली वाले उसके साथ खड़े हैं। उनके नैरेटिव का काट क्या होगा? आप लोकतंत्र बचाओ तो कह रही हैं, लेकिन बीजेपी उल्टा आप पे हमलावर है। देखिए, बीजेपी उस पे हमला करती है जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने को तैयार नहीं होता। जब प्रफुल्ल पटेल 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। जब छगन भुजबल 1,000 करोड़ के महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। हेमंत बिस्व शर्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कैम करते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करें, भारतीय जनता पार्टी चाहती है सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में आ जाएं, ये है भारतीय जनता पार्टी का मोटिव। सवाल मैम, कल्पना सोरेन आज मंच से बोलेंगी, सुनीता केजरीवाल भी बोलेंगी, हमें बताया जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ने वाली हैं, क्या होगा उस संदेश में? देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश सभी दिल्ली वालों, सभी देश वालों के, देशवासियों के सामने रखेंगे। आप इस बात को समझिए, अरविंद केजरीवाल आज हिरासत में है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी बेल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, वो देश वालों के बारे में सोच रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, दिखाता है ये आदमी किस मिट्टी का बना। तो आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली और इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रही है कि आज जो है वो समय है, अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए काम किया और आज दिल्ली और पंजाब और पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे और पलटवार बीजेपी पे आम आदमी पार्टी का। आतिशी का अहम बात यह है कि आज मंच से न केवल इंडिया अलायंस के नेता बोलेंगे बल्कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी रामलीला मैदान में पढ़ती हुई सुनाई देंगी। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।